हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, जो कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से दी गई सूचना है। बताया गया है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन हेतु भर्ती नियम पुस्तिका बताई गई है। जैसा कि ऑनलाइन इसकी जो शुरुआत तिथि है वो आज से हो रही है, 26/6/2023 बताया गया है। इसकी जो ऑनलाइन शुरुआत तिथि है, अंतिम तिथि जो इसकी बताई गई है 10 जुलाई 2023 है, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो 15/7/2023 बताई गई है। जैसा कि इसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसकी भर्ती की जो परीक्षा है वो परीक्षा होगी आपकी 12/8/2023 से प्रारंभ हो रही है। 12/8/2023 से परीक्षा होने वाली है इसकी। सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए भर्ती है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा का नाम है आरक्षक भर्ती। परीक्षा दिनांक एवं दिन है 12/8/2023। परीक्षा की पाली प्रथम पाली जो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होने वाली है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी दिया जाएगा और उत्तर अंकित का समय भी दिया गया है। तो यहाँ से सारी डिटेल्स की नोटिफिकेशन में दी गई है। जैसा इसमें बताया गया है, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। जब तक आधार पंजीयन नहीं होगा हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। फिर इसमें तमाम सारे नोटिफिकेशन इसके बारे में दिए गए हैं, जो हर एक परीक्षा में दिए रहते हैं। फिर बताया गया इसमें कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका सीधी भर्ती है, तो चयन परीक्षा 2023 के लिए विभागीय भर्ती नियम एवं आरक्षण तालिका इसमें दी गई है। तो कहाँ पर क्या दिया गया है ये बताया गया है इसमें। कांस्टेबल GD ये जो बताया गया है, UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1040 पद हैं, EX सर्विस मैन के लिए 192 हैं, और इसी तरीके से OBC में भी बताया गया है। तो टोटल जो आपकी भर्ती है वो 7090 पदों पर होने वाली है। इसमें दिया गया है पुरुष और महिला आरक्षण के हिसाब से बताया गया है। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी शुरुआत आज से हो रही है। इसमें दिया गया है कि तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक GD के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। उदाहरणार्थ संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आरक्षक GD पदों के साथ आरक्षक रेडियो ऑपरेटर संवर्ग पद के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। परिभाषाएं जो इसमें बताई गई हैं कि आरक्षण में प्रेत हैं, सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण दिया गया है, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास जो है दिया गया है कि 10/7/2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि आयु एवं उसमें छूट के लिए, शिक्षा के लिए, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक के लिए, ये आपके पास होना अनिवार्य है, जैसा इस बताया गया है इसमें। तो ये सूचना निकल कर आ रही है। वेतन मान की अगर बात करते हैं तो आरक्षक सभी संवर्ग के लिए 19,500 से 62,000 रुपये तक का इसमें वेतन मान दिया गया है। पदों की भर्ती कैसे होने वाली है, इसमें बताया गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिका श्रेणी के हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। जिला पुलिस बल में गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग के अन्य शाखाओं एवं मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, EOW, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पद स्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ वो दिया गया जहाँ जहाँ भर्तियाँ होने वाली हैं। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर इसकी योग्यता की बात की जाए तो आरक्षक GD के लिए इसमें जो योग्यता मांगी गई है
उसके लिए बताया गया है कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएँ हैं 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। रेडियो ऑपरेटर के लिए उसी तरीके बताया गया है और यहाँ पर ये जानकारी इसमें दी गई है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो बताया गया कि प्रथम चरण जो आपका लिखित परीक्षा हिंदी भाषा अवधि 2 घंटे की होगी और प्रश्न इसके 100 पूछे जाएंगे। अंक योजन बताया गया, अधिकतम 100 अंक होंगे। सही उत्तर के लिए +1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, जैसे इसमें माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है, ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्नों के प्रकार जो होंगे उसका सिलेबस भी दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें जान सकते हैं, पूरी यहाँ पर दी गई है जानकारी। यदि अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग ऊँचाई की बात की जाए इसमें, तो यहाँ दिया गया 168 सेंटीमीटर, सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाव 79 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों ये थी सूचना आपके लिए। अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं, इसमें एलिजिबल हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।